उत्तर प्रदेश का बांदा जेल आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। उसकी कई वजह हैं। इसमें खास वजह ये भी है कि वहाँ माफिया मुख्तार अंसारी बंद है। यही वजह है कि बांदा जेल की सुरक्षा चाक चौबंद है और चारों तरफ खाकी के साथ सीसीटीवी के सख्त पहरे हैं। हालांकि इस जेल के निरीक्षण के लिए शुक्रवार को दो आला अफसर पहुंचे और मानो सभी हैरान रह गए। दरअसल शुक्रवार को बांदा जेल का औचक निरीक्षण करने डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी अभिनंदन भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। इस दौरान डीएम और एसपी ने जेल कैंपस की बारीकी से जांच पड़ताल की। निरीक्षण की सबसे दिलचस्प बात वो रही जब इस दौरान डीएम और एसपी का मुख्तार अंसारी के बैरक में पहुंचे और उसकी गंभीर तलाशी ली। हालांकि एसपी को वहां से कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। वहीं एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ कैदियों के स्वास्थ्य और साफ सफाई को लेकर जेल प्रशासन को कई दिशा निर्देश दिए। हालांकि अधिकारियों के जेल में पहुंचने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम एसपी ने करीब एक घंटे जेल के अंपारी से निरीक्षण किया। वहीं साफ सफाई कम मिलने पर डीएम एसपी ने नाराजगी जताई। आपको बता दें, बांदा जेल की सुरक्षा की बात करें तो करीब 150 जेल कर्मी लगातार इसकी निगरानी करते हैं। इसमें कई बॉडी कैम से लैस होते हैं। साथ ही जेल में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर, बकायदा रजिस्टर में नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर नोट करने के बाद ही एंट्री होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।